हाँ वो मुझे हमला हमले के लिए आया था, उसने बदतमीजी की, हु आर यू बोल के मुझे हमला करने आया था। आखिर क्यों डीडीसी मेंबर ने जबरन डार को मारा थप्पड़? औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं कश्मीर वाइज और मैं हूँ आपका मेजबान अरईस बख्शी। नाज़रीन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आप तक पहुँचाना चाहूंगा, जो कि अभी अभी हमारे पास आई और सोशल मीडिया पे जो है काफी तेजी से वायरल हो रही है। यानी कि डीडीसी वागुरा ने जबरन डार को लोगों के सामने थप्पड़ मारा, आखिर क्या वजूहत रही, क्यों डीडीसी मेंबर जो है वो जबरन डार को थप्पड़ मारने पे मजबूर हुए? मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हो कि एक क्रिकेट का मैच हो रहा था जहां पे डीडीसी मेंबर मोहम्मद अशरफ और जबरन डार जो दोनों चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, लेकिन आपस में बहस शुरू हो गई और बहस के दरमियान जो है डीडीसी मेंबर ने जबरन डार को थप्पड़ मारा और तमाम लोगों के सामने जो है ये वीडियो जो है रिकॉर्ड किया गया। इसी जमन में हम डीडीसी मेंबर यानी मोहम्मद अशरफ साहब से बात करना चाहेंगे और इन्हीं से जो है मजीद जानना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने जबरन डार पे हाथ क्यों उठाया। हमारे साथ इस वक्त फोन कॉल पे डीडीसी वागुरा मोहम्मद अशरफ साहब जुड़ चुके हैं, मजीद इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर मेरा सवाल पहला ये रहेगा कि आप आज एक क्रिकेट मैच में एज चीफ गेस्ट गए थे और जहां पे जबरन डार भी मौजूद थे और उसी दौरान जो है आपके बीच में हाथापाई हुई और आप जो है जबरन डार पे हाथ उठाने के लिए मजबूर हुए, आखिर क्या वजूहत है? देखिए जनाब, मैं जबरन डार के खिलाफ, ये कौन है जबरन डार मैं नहीं जानता हूँ जी, मैं जबरन डार के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जहाँ पर वायलेंस हो जाए, लोगों को उकसाया जाएगा, वहाँ पर मैं बर्दाश्त, वहाँ पे किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं कैसे, मैं एक जिम्मेदार हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? सर हम जान सकते हैं कि क्या वायलेंस वहाँ पे हुई थी जिस वजह से जो है आप हाथ उठाने पे मजबूर हो गए? उसने गाली गलौज किया और उसने रफ लैंग्वेज की, हु आर यू, आप कौन है, जबकि मेरा यूरिडिक्शन पड़ता है, मेरे लोग हैं, तो उसने बहुत ही बदतमीजी की है सर। तो मुझे नहीं पता था ये जबरन डार कौन है, छोटे छोटे बच्चों को जो 18 साल के भी नहीं है उनको बोल रहा था आप वोट मुझे दो, तो इस ये बातें उसके मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने उसको कहा इनको आप इन चीजों पर मत उकसाओ, ये जो आप बोल रहे हैं आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप इनको ड्रग्स की नसीहत कीजिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, फ्यूचर खेल कूद में आप दिलचस्पी दीजिए, तो ऐसे अल्फाज उसके नहीं थे। वो एक गुंडा टाइप का बंदा है, आया है कोई, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ उसको, तो इसमें फिर हो गया। चलिए सर आपसे इतना जानना चाहूंगा कि जबरन डार अगर वहां पे जो वीडियो में देखने को मिल रहा है, अगरचे जबरन डार ने वोट मांगा, लेकिन हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेसी मुल्क है, यहां पे जो है वो कहीं पे भी वोट मांग सकता है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ हम नहीं है, उसके खिलाफ हम नहीं है, वो हर किसी को अपने अपने राइट्स है जी, मगर जहां पर वो मतलब हम गए थे बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए जी, हम ये नहीं, ये वोट का माहौल नहीं, वोट के हम अभी दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं जी, वो अभी से उनको छोटे छोटे बच्चों को इसमें लाएं, वो ड्रग्स की नसीहत नहीं करे तो कौन बर्दाश्त कर सकता है, तो वो रफ लैंग्वेज यूज करे तो कौन बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन सर आपने जो है वहाँ पे सभी लोगों के सामने हाथ उठाया है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं चेयर पर, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं चेयर पर बैठा था, वो मेरे को हमला करने के लिए आया। जरूरी है कि इंसान, किसी इंसान को फर्ज बनता है अपने आप को दिफा करे, मैंने दिफा किया है। अच्छा आपने अपने आप को बचाने के लिए जो है थप्पड़ जबरन डार को मारा है? हाँ वो मुझे हमले के लिए आया था, उसने बदतमीजी की, हु आर यू बोल के मुझे हमला करने आया था। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना होगा कि डीडीसी मोहम्मद अशरफ का ये कहना है कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए जो है मैं मजबूर हो गया जबरन डार पे हाथ उठाने के लिए, जबकि हमने डीडीसी साहब से इतना भी पूछा था कि हाथ उठाना कहाँ तक ठीक था, लेकिन इनका ये कहना है कि जबरन डार जो है वो मुझ पे हमला करने के लिए आया और जबरन डार ने जो है उस ग्राउंड में जहाँ पे बच्चों को उसे समझाना था कि हमें खेल कूद से क्या फायदे मिल सकते हैं, हमें ड्रग्स से दूर रहना है, लेकिन जबरन डार जो है वो वहां पर वोट गिनने लगे और अपनी जो है वोट की कैंपेन चलाने लगे। लेकिन यहाँ पे जो है हमने सवाल किया था डीडीसी साहब से कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी जो है वोट मांग सकता है, शायद डीडीसी साहब को इनकी बात जो है वोट मांगना बुरा लग गया और इस वजह से जो है डीडीसी साहब मजबूर हो गए जबरन डार पे हाथ उठाने के लिए। अब आप लोगों की इस मुतालिक क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कश्मीर वाइज रईस बख्शी के साथ।